स्वच्छ भारत अभियान के तहत कई ऐसे गांवों को शौच मुक्त यानी ODF गांव घोषित कर दिया गया है, लेकिन गांव में न तो आज तक शौचालय बने और न ही लोग शौचालय का उपयोग कर रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूरे देश में शहरी और ग्रामीण इलाकों में सरकार ने एक बड़ी योजना चलाई थी, लेकिन इसकी असलियत ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल रही है, जहां केवल कागजों पर ही शौचालय बना दिए गए और जहां बने हैं और अब तक उनका उपयोग भी नहीं किया जा रहा है। मामला जगदलपुर जिले के ग्राम पंचायत मेटापाल का है। मार्च 2017 में गांव को ODF घोषित कर दिया गया था। नगर के जागरूक लोगों ने मामले की जानकारी के लिए सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी। विभाग ने खुद सत्य प्रतिलिपि में जानकारी देते हुए गांव में 1018 शौचालय निर्माण होना बताया, लेकिन आज की स्थिति में केवल 140 शौचालय ही बने हैं। अन्य शौचालय आज तक पूरे नहीं हुए। अधिकारियों के दावों की पोल तब खुली जब गाँव में जाकर इसकी जानकारी ली गई। गाँव में जाने से पता चला कि ग्राम पंचायत के तुर्रेमपारा सहित 5 अन्य वार्डों में ग्रामीण आज भी खुले में शौच कर रहे हैं और जिनके घर शौचालय बनाए गए हैं वो भी अधूरे हैं। ग्रामीण अधूरी शौचालय में या तो मुर्गी पाल रहे हैं या तो अन्य कार्यों के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि आज तक शौचालय का उपयोग उन्होंने नहीं किया है। अधिकारी जाँच में आए और उनके हस्ताक्षर लेकर चले गए, लेकिन शौचालय का काम पूरा नहीं किया। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि गाँव में सड़क, पानी, बिजली की भी समस्या है। जो रोड है वह चलने लायक नहीं है। सड़क के लिए राशि आई, लेकिन उसका उपयोग आज तक नहीं हो पाया है। लोग आयरन युक्त पानी पीने को भी मजबूर हैं। तो ठीक से नहीं है, थोड़ा प्रॉब्लम है। तो हमको बाथरूम का जो पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा था। अभी थोड़ा जो बोरिंग भी जो एक दो दिन हम लोग टेंट से जो बिगड़ जाते, लाल पानी निकलता है। हमको जो ऐसी बोर चाहिए और नल चाहिए। बोर होना चाहिए, उसके बाद पूरा जो ऐसी रोड में जो हमको नल चाहिए। हम बाथरूम बना दिए सर, लेकिन बाथरूम यूज नहीं हो रहा, पूरा खराब हो गया। जो गैस के लिए भी आवेदन किया था, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। पानी बोरिंग से ही लाते हैं सर, को बहुत तकलीफ होता है। बोरिंग भी ठीक से नहीं निकलता है, गैस नहीं मिला है सर। ग्राम की महिला सरपंच रत्ना कुड़ियामी ने बताया कि ग्राम सचिव मनमानी कर रहा है, वह किसी का नहीं सुनता, जिसके चलते गांव के काम अधूरे हैं और शौचालय निर्माण की जिम्मेदारी भी ग्राम सचिव की है, लेकिन वह भी ध्यान नहीं दे रहा है। यही कारण है कि गांव वालों को खुले में शौच करना पड़ रहा है। इसके साथ ही गाँव में अब तक सड़क भी पूरे नहीं होने की बात उन्होंने कही। रोड नहीं है, पानी का सुविधा नहीं है, स्कूल तो प्रॉब्लम है सर जी। एक महीना हो गया सर, मतलब रोड मतलब थोड़ा बड़ा बड़ा पत्थर आ गया सर, मुरुम ठीक से नहीं डालती है, ऐसी भी रहती है सर। क्या मतलब काम उन लोग नहीं सुनते हैं, तो मैं एक किला थोड़ी ना कर सकती हूँ सर। बहरहाल अब सरकारी फरमान के धज्जियां खुलेआम उड़ता दिखाई दे रहा है। इससे साबित होता है कि अभी भी छत्तीसगढ़ पूरी तरह से ODF नहीं हुआ। जरूरत है अब गांव में निरीक्षण कर सभी गांव में अधूरे पड़े शौचालयों की निर्माण की। देखना होगा कि विभाग इसे कब संज्ञान में लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश TV। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश TV, we report, you decide.